है कि यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद लेमन और टैमरिंड जूस। ओके बच्चों, देखिए आपने देखा होगा आपके घरों में, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे अभी भी आप देखते होंगे कि कॉपर का अगर बर्तन है बच्चों, जिसकी कॉपर के बर्तन का कलर जब न्यू खरीद के लाते हो तो कैसा होता है, रेड ब्राउन आपने देखा होगा उसको लेमन जूस से यानी कि नींबू के रस से या जो इमली होती है ठीक है ना, इमली के जूस से उसको पूछा जाता है तो वापस वो चमक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है एक्सप्लेन हमको करना है, एक्सप्लेन व्हाई दीज सार सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। अब उसने आपको हिंट भी दे दिया है, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दीज सार सब्सटेंसेस। ठीक है, हमको पता है ना इमली भी खट्टी होती है, नींबू भी खट्टा होता है, तो कह रहा है इन खट्टे सब्सटेंसेस का यूज कॉपर के बर्तन को साफ करने में क्यों किया जाता है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जैसे उसने आपको बोल दिया क्या सार सब्सटेंसेस, यानी कि आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सार सब्सटेंसेस में क्या होता होगा, बताइए एसिड होता होगा ठीक है ना। अब एसिड का यूज बताओ बच्चों कहां करोगे, एसिड का यूज कहां करोगे बताओ, एसिड का यूज बेस को हटाने में करोगे, खुद दिमाग लगाओ, एसिड का यूज बेस को हटाने में करोगे, सही है ना, एसिड का यूज बेस को हटाने में करोगे, बेस को एसिड क्या कर लेगा डिसॉल्व कर लेगा, क्योंकि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और बेस जो भी आपका वो उस एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, आप कह सकते हो उस तरीके से, सॉल्ट और वाटर बनेगा तो उसकी अलग बात है। जैसे मान लो मेरे मोबाइल पे बेस की लेयर आ गई ठीक है, किसी बेसिक मटेरियल की लेयर आ गई, तो इस बेस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं नींबू लूँगा ठीक है ना, लेमन, और ऐसा इस पर घिस दूंगा, इससे क्या होगा जो भी बेसिक लेयर है इस पे, बेसिक लेयर जो भी है इस पे बेसिक सब्सटेंस की, वो नींबू के रस में डिसॉल्व हो जाएगी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन कर ली तो बेसिक लेयर मेरे मोबाइल से हट जाएगी, बात समझ नहीं। तो ये चीज़ होती है। अब खुद दिमाग लगाइए बच्चों, ये जो कॉपर है ठीक है, कॉपर क्या करता होगा बताओ, कॉपर के, कॉपर का जब आप बर्तन खरीद के लाए हो ठीक है, कॉपर का वेसल खरीद के लाए हो, तो कॉपर के बर्तन के ऊपर जरूर कोई बेसिक लेयर आ जाता होगा। अब कॉपर का बेसिक लेयर कौन सा हो सकता है बताइए, कॉपर का बेसिक लेयर हो सकता है कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर ऑक्साइड का बच्चों नहीं हो सकता है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का लेयर हो जाएगा, देखो हमको पता है कि मेटल के ऑक्साइड, ध्यान से सुन लीजिए, हमको पता है क्या कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे या मेटल के जो कार्बोनेट्स होंगे, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो कॉपर का बर्तन है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती होगी, नहीं, कॉपर ऑक्साइड वाली रिएक्शन तो आप लोगों ने पढ़ी है, याद है कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते थे, याद है ना, उसको हीट करना पड़ता था तो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का आपका सब्सटेंस वहां पे दिखाई पड़ता था ठीक है। तो यहाँ हीटिंग वीटिंग तो हो नहीं रही है ठीक है ना, हाँ वो अलग बात है जब आप खाना बनाते हो तो हीटिंग होती हुई, बट प्योर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल रही है कॉपर को ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड है एटमॉस्फेयर में। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कॉपर हमारा मेटल है और कॉपर के ऊपर बच्चों कार्बोनेट की लेयर आ जाती है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट मतलब जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉइस्चर भी अवेलेबल है, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना लेता है, तो कॉपर के बर्तन के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाएगी, बस सिंपल है ठीक। अब आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन वगैरह पूछी नहीं गई तो वो आपको लिखना नहीं है। अब कॉपर कार्बोनेट का जो लेयर होगा, कॉपर क्या है मेटल, तो मेटल का जो कार्बोनेट होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है ठीक है ना। तो कॉपर का जो बर्तन है जो कि पहले रेड ब्राउन कलर का शाइन कर रहा था, चमक रहा था ठीक है, अब वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है ग्रीन, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ठीक है। तो बर्तन आपको ग्रीनिश कलर का दिखाई पड़ने लगेगा, क्यों ग्रीनिश कलर का दिखाई पड़ने लगेगा, ये आपका बर्तन है, बर्तन के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ गई। अब इस कॉपर कार्बोनेट को आपको हटाना है, मैंने आपको बताया कॉपर कार्बोनेट का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, मतलब ये एक बेसिक लेयर आ गई ऊपर, तो इस बेसिक लेयर को हटाने के लिए एसिड ले आओ कोई, और एसिड से इसको क्या कर दो, एसिड से इसको ऐसा सा रब कर दो, तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी, इस तरीके से कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो बेस बेसिक नेचर की है, एसिड में डिसॉल्व हो जाएगी ठीक है, फिर से वापस से बर्तन आपका चमकने लगेगा क्योंकि ऊपर से ग्रीन लेयर कॉपर कार्बोनेट की हट जाएगी। बस अब आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा बच्चों समझाना नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये एक आंसर लिखा हुआ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपकी बुक्स में भी होगा। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट ठीक है, एंड अ रिजल्ट कॉपर वेसल लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कार्बन कार्बोनेट, ऑफ कार्बन नहीं होना चाहिए, ऑफ कॉपर कार्बोनेट होना चाहिए यहाँ पर ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एयर में उससे रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जो कि कॉपर के वेसल के सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, इस तरीके से कॉपर का जो शाइनी ब्राउन कलर का सरफेस था वो नहीं दिखता, अब हमें ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट दिखती है ठीक है। द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टैमरिंड न्यूट्रलाइजेस द बेसिस कॉपर कार्बोनेट ओके। तो आपको पता है कि लेमन में, देखो ये अगर आपको एसिड का नाम याद नहीं होता तो कोई बात नहीं ठीक है, लेमन हो या टैमरिंड जूस हो, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ठीक है, जो कि क्या करेगा
इस बेसिस बेसिक नेचर वाले कॉपर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड डिसॉल्व द लेयर, और वो जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर है उसको डिसॉल्व कर लेगा, जो भी एसिड का जूस आपने लगाया, वो एसिडिक जूस जो भी लगाया आपने, ठीक है ना। दैट इज वाई टार्निश्ड कॉपर वेसल आर क्लीन विद टार्निश्ड, मतलब बच्चों समझते हो ना, टार्निश जब किसी सरफेस में से चमक चली जाती है तो हम टार्निश शब्द का यूज करते हैं, है ना, धुंधला पड़ गया है, वो खराब हो गया है, ठीक है। दैट इज वाई टार्निश कॉपर वेसल, मतलब जो कॉपर वेसल आपको टार्निश यानी कि चमकते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, दैट आर क्लीन विद द लेमन और टैमरिंड जूस टू गिव द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लश्यर, ठीक है। वापस उसकी कैरेक्टरिस्टिक लश्यर मतलब चमक लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो बहुत ही ईजी बच्चों आप लोग कर सकते हैं, ओके, नोट कर लीजिए।